केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयदशमी के आयोजन में हिस्सा लिया। वहीं पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन सत्य की असत्यता पर विजय का दिन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य देश को पुनः गौरवपूर्ण और समृद्धशाली बनाना है। आज विजयादशमी का दिन है। आज का दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन तो है ही, लेकिन हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस देश को पुनः समृद्ध गौरवशाली ऐसा बनाने के दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, हिंदुओं को एकत्रित कर सर्व समाज के कल्याण के लिए विश्व के बंधुत्व की अपेक्षा और आकांक्षा को लेकर के जिस संगठन को खड़ा किया गया, उस संगठन की स्थापना का दिवस भी है। और क्योंकि संगठन आज से 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो इस शताब्दी वर्ष में संगठन के सभी स्वयंसेवक उस बृहत्तर लक्ष्य को लेकर के जो स्थापना के समय में तय किया गया था, 5 मुख्य बिंदुओं के आधार पर आने वाले एक साल में संगठन के कार्य और शक्ति का और अधिक व्याप विस्तृत करें, इस दृष्टिकोण से आज यहाँ संदेश हम सबको दिया गया। सर,